Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा आपका कि मैं इतने साल से कि मुझे दे दे, मुझे फिल्म का काम दे दे, फलाना कर दे, दे 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 बोला, मैं बैठ के जो लेना है वो नहीं सीखा था कभी। वो तो हमेशा ही दे रहा है। जैसे आपने सुंदर कहा, सनलाइट तो हमेशा है, खिड़की खोलो तो सही, तो अपने आप आएगी। खिड़की बंद रखिए, दे 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 दे। तो सो देखा जाए तो लोग कोई बोले कि कितना सिली आदमी है ये, इतना नहीं सीखा। लेकिन ये सीखने में ही सारी जिंदगी गुजर गई। कृपा कर दे, मेरा काम कर दे। समवेयर इस पे कोई लेजीनेस की बात तो नहीं, या अज्ञान की बात है? अज्ञान ही है ना। कुछ एनर्जी है, एनर्जी को हमें अपने जीवन में अब्सॉर्ब करना है। एनर्जी है, लेकिन जब तक हम उस एनर्जी की टुवर्ड्स अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं करेंगे, उसके होते हुए भी हम उसको अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। होते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे कई बार टीवी चल रहा होता है, मेरी वाइफ देख रही होती है प्रोग्राम, और वो मैं देखते हुए भी नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि आपका मन कहाँ है, कुछ और ही सोच रहा हूँ, कुछ और है। फिर बाद में बोलते कितना अच्छा था, हाँ क्या हुआ। तो होते हुए भी अब्सॉर्ब नहीं किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कहीं और कनेक्टेड है। टीवी है, चैनल्स अलग अलग हैं, ज्ञान की बात मिल सकती है उससे, लेकिन हमने उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जोड़ा। रिमोट हमारे हाथ में है, हमने स्पोर्ट्स चैनल पे जोड़ा, दैट्स ओके। उतनी देर हमें क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा, लेकिन हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं और कहते हैं ज्ञान दे दे। वो कैसे ज्ञान देगा? या हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं और हम कहते हैं मूवी दिखा दे। नहीं, हम क्रिकेट मैच की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है ना उस समय, उस चैनल पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्शियसली चैनल बदलना पड़ेगा। हम सारा दिन बॉडी कॉन्शियस स्थिति में बैठकर इधर उधर का काम करते हुए, फिर 5 मिनट हम रुके, मंदिर में खड़े हुए और हमने कहा भगवान शक्ति दे दे, शांति दे दे, सबको सुख दे, और हम चल पड़े आगे। बॉडी कॉन्शियस स्थिति में हमारी फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड नहीं थी ऊपर। तो जैसे आपने कहा कि फिजिकल हीलिंग के लिए भी हम परमात्मा की एनर्जी को चैनलाइज करके उधर भेज देते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग, यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है? द वर्ड मेडिटेशन कम्स फ्रॉम मेडिरी, विच मीन्स टू हील। ओके, टू हील, टू हील व्हाट? टू हील द पेन ऑफ द सोल, टू हील द वीकनेस ऑफ द सोल। तो मेडिटेशन इज हीलिंग। हीलिंग के लिए एनर्जी किसकी चाहिए? उस सुप्रीम पावर की एनर्जी लेनी है। तो अब उसको हमें लेना है। तो मेडिटेशन मीन्स परमात्मा जो है जैसा है, मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, उस स्थिति में फिर उससे कनेक्ट करके उस एनर्जी को जब अपने अंदर चैनलाइज करूँगी, तो वो एनर्जी मुझ आत्मा की क्या करनी शुरू करेगी? हीलिंग करनी शुरू कर देगी। तो जैसे हम लोग विटामिन वगैरह खाते हैं बॉडी के लिए फिजिकल, ताकि यू नो कोई भी डिजीज हो तो खुद ही उसको फाइट करके निकाल देती है। तो हीलिंग जो आप कह रही थी, वैसे ही भगवान की शक्ति लेके अपने सोल को स्ट्रेंथन करके बाकी मेंटल हीलिंग और बाकी चीजें कर सकते हैं। मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग एंड विल पावर, व्हिच विल हैपन फ्रॉम द स्पिरिचुअल हीलिंग, मतलब आत्मा की हीलिंग। आत्मा की हीलिंग मतलब आत्मा पे पुराने बहुत सारे इम्प्रेशंस, पुरानी चोटें, और फिर उसकी वजह से एक्वायर्ड संस्कार्स, ग्रूव बने हैं। अब हम एक नया ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? जो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, सी मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है, ठीक है, कोई परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कहा, वो वाइब्रेशन, वो परिस्थिति ने मेरे अंदर के गुस्से के संस्कार को क्या कर दिया? इमर्ज कर दिया। मेरे व्यवहार में गुस्सा आ गया। इक्वेशन इज क्लियर। अगर कोई परिस्थिति नहीं आती, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अकेली बैठी हूँ, जैसे हम कोई दूर जंगल में चले जाते हैं, हम कहते हैं हमें संन्यास करना है इन सब से, लेकिन हम दूर जंगल में भी चले गए, लेकिन कोई पुरानी बात याद आ गई तो भी गुस्सा इमर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बात याद नहीं आई, कोई परिस्थिति सामने नहीं आई और हम बिल्कुल साइलेंस में बैठे हैं, पास्ट कुछ नहीं याद आया, सामने से कोई बात नहीं आई, सामने से किसी ने कोई व्यवहार नहीं किया, तो हमारे गुस्से का संस्कार डॉर्मेंट रहेगा। डॉर्मेंट रहेगा, नष्ट तो नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा, डॉर्मेंट रहेगा, जब आएगा उठ जाएगा जैसे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं आया तो नहीं आएगा, उठेगा क्यों? अनलेस यू थिंक ऑफ इट या ड्रीम ऑफ इट, मतलब अनलेस देयर इज अ स्टिम्युलस ना, अनलेस देयर इज अ ट्रिगर, वो संस्कार क्या हो जाएगा, बैठा रहेगा, वो डॉर्मेंट रहेगा। डॉर्मेंट रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग नहीं जाती आत्मा पे से, आत्मा पे रिकॉर्डिंग है लेकिन वो डॉर्मेंट है, नहीं यूज कर रहे हैं उसको, नहीं यूज कर रहे। डन, बात आई, कोई व्यक्ति आया, वाइब्रेशन, और वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। सिमिलरली आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो आत्मा पे डॉर्मेंट हैं, अंदर हैं, राइट, परमानेंट हैं, परमानेंट हैं, लेकिन बहुत समय से अगर यूज नहीं किया तो थोड़ा डॉर्मेंट है। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे वो वाला संस्कार इमर्ज हो। कलयुग है, कलयुग की वाइब्रेशंस थोड़ी सी इम्प्योर हैं, लोगों के व्यवहार भी कुछ जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं है, तो हमारे अक्वायर्ड संस्कार ही इमर्ज होते रहते हैं। फिर हम कभी कभी कुछ समय निकाल कर कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं, कोई ऐसी आत्माओं से मिलते हैं जहाँ का वाइब्रेशन पीसफुल है। हम समुद्र किनारे ही चले जाते हैं, हम सनराइज देखने चले जाते हैं, वाइब्रेशन बहुत पीसफुल है। हम कोई आश्रम, मंदिर, मस्जिद जाते हैं, वाइब्रेशन बहुत पीसफुल है। हम कोई संत आत्मा से मिलते हैं, वाइब्रेशन बहुत पीसफुल है। तो मुझ आत्मा का शांति का संस्कार क्या हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। और जैसे ही वो संस्कार इमर्ज हो जाता है, आई फील माई वाइब्रेशन ऑफ पीस, राइट, ये हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम परमात्मा जो शांति का सागर है उसके वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करेंगे, तो उसके वाइब्रेशन से मुझ आत्मा का जो शांति का संस्कार है, मुझ आत्मा का जो शांति का संस्कार है वो इमर्ज हो जाएगा। अब एक बार वो संस्कार इमर्ज होने लगा तो फिर वो सारा दिन मेरे व्यवहार में भी आएगा। जितना वो मेरे व्यवहार में आएगा, लेकिन व्यवहार में अगर दूसरे टाइप के लोग आके आगे दूसरे संस्कार जगा दें तो कभी कभी वो संस्कार भी इमर्ज होता है। लेकिन अब हमने ये वाला भी इमर्ज कर, आप बोल रहे हैं कि वो आएगा तो ना, तो पूरा दिन कैसे चलेगा, वो पूरा दिन चलेगा। वी आर गोइंग थ्रू अ शिफ्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, रोज सुबह सिर्फ एक लेते हैं पीस का संस्कार, उसको इमर्ज कर रहे हैं। फिर हम सारा दिन में जब जाते हैं तो परिस्थितियाँ दूसरी भी आती हैं, तो कभी कभी हमारा वो गुस्से का संस्कार भी क्या होगा, इमर्ज होगा। लेकिन अब हम उस स्थिति में आ गए कि हमारे ये दोनों संस्कार इमर्ज हैं, पीस का भी, एंगर का भी। कभी ये वाला व्यवहार में आएगा, कभी दूसरा वाला व्यवहार में आएगा। लेकिन जितना हम रोज़ मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो उतना धीरे धीरे हमारा पीस का संस्कार क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ज़्यादा एक्शन में आना शुरू होगा। मसल जितना उसको यूज करते जाएंगे, स्ट्रांग होता जाएगा। पहली बार जब यूज करेंगे तब एकदम हेल्थ नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, दर्द होगा पहले, लेकिन दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, 10 बार करेंगे, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह हम 10 दिन मेडिटेशन करेंगे तो हमारा शांति का संस्कार क्या होगा, हम सिर्फ एक ही क्वालिटी पर मेडिटेशन करेंगे कि परमात्मा शांति का सागर है और मुझ आत्मा में वो शांति की वाइब्रेशन भर रही है। आई एम अ पीसफुल सोल एंड आई एम गेटिंग फिल्ड विद गॉड्स वाइब्रेशन ऑफ पीस। 5 मिनट सुबह किया, 5 मिनट शाम को किया, 5 मिनट रात को सोने से पहले, इतना ही किया सिर्फ थोड़ा थोड़ा, तो हमारा वो संस्कार क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। अब सारा दिन में अगर 10 बार रिएक्ट करते थे, अब 5 बार कम हो जाएगा, 5 बार तो कम हो जाएगा ना। अब अगर 5 बार कम हुआ और 5 बार शांति से कर्म किया तो वो शांति का संस्कार क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और क्योंकि 5 पर गुस्से के संस्कार को नहीं यूज़ किया तो वो गुस्से का संस्कार क्या हो जाएगा, वो वीक होना शुरू। दिस इज दैट शिफ्ट। किसी भी चीज को, फिजिकल चीज को भी आप शूज नहीं पहनो 2 साल तक तो वैसे टूटने लग जाते। सेम विद द संस्कार, हम हीलिंग कर रहे हैं यहाँ। इट विल नॉट हैपन इन वन डे, इट विल नॉट। द चॉइस हमारी है व्हाट टू चूज, व्हिच वन टू यूज, व्हिच वन नॉट टू यूज। ऑफ कोर्स। तो ऑल द संस्कार जो हैं अपने पास, हमारे पास सारे हैं ना। आपने कहा डोमिनेंट रहेगा, चॉइस है, चॉइस लेकिन स्टिमुलस की नहीं है ना। स्टिमुलस आ जाता है, स्टिमुलस की चॉइस तो होनी नहीं थी। स्टिमुलस की चॉइस कैसे आएगी हमारे पास, वो तो है ही नहीं ना। परिस्थिति की चॉइस नहीं आ सकती ना। परिस्थिति की चॉइस टाइम पे फिर आपकी चॉइस के लिए टाइम मिलता है क्या कि टू चूज व्हाट टू चूज। परिस्थिति आ गई, हमने रिएक्ट कर दिया, तो आज हमारा गुस्से का संस्कार जाग गया, एक्टिव में आ गया। कोई बात नहीं। वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नेवर बी हार्श विद आवरसेल्फ। नेवर कि ऐसे कैसे, हम इतने दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसे कैसे आज गुस्सा आ गया। आ जाएगा, कभी कभी आ जाएगा। ये संस्कार एक जन्म का नहीं है। मेडिटेशन तो कुछ दिनों से या सालों से शुरू किए सिर्फ। इट ऑल्सो डजेंट मीन अच्छा आ गया गुस्सा कोई बात नहीं एंड हम केयरलेस हो जाएं। नहीं, बैलेंस, प्रॉपर अवेयरनेस कि हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम रोज़ अपने को भर भी रहे हैं, हम रोज़ अटेंशन भी रख रहे हैं, तो फिर ये आ जाता है बीच में, क्योंकि वो भी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग वहाँ बैठा है। आप कितने दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं, कितनी देर मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर आप सपोज 5 साल से भी कर रहे हैं, आप 10 साल से भी कर रहे हैं, 10 साल से आप 10 मिनट कर रहे हैं, कलयुग के वातावरण में रह रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस में रह रहे हैं, उन वाइब्रेशंस का भी हमारे ऊपर प्रभाव है। लेकिन हम 10 मिनट अटेंशन से परमात्मा की वाइब्रेशंस में बैठे हैं, उसका भी प्रभाव है। तो धीरे धीरे ये प्रभाव हमारे ऊपर होना शुरू हो रहा है। लेकिन वो गुस्से का संस्कार जो मुझ आत्मा पर है वो कितने समय का है, वो तो कितने पता नहीं जन्मों का है। तो वो इतना छोटा भी तो नहीं है ना कि वो 2 साल में या 5 साल में डिसअपियर हो जाएगा। वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो ना के बराबर हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे आपको वो याद नहीं रहेगा। देन इट विल बी सम वेरी वन फ्रीक्वेंट थिंग। ये सब एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा मैं आत्मा इस प्रोसेस से गुजर रही हूँ। बट आई हैव टू अप्रिशिएट माई सेल्फ एवरी टाइम व्हेन आई डू इट द राइट वे। एंड अगर मेरे से कभी वो पुराना संस्कार फिर एक्टिवेट हो गया, मुझे सिर्फ उस टाइम बैठना है, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं, गिल्ट भी नहीं, सिर्फ उस टाइम बैठकर 2 मिनट वो पीस की वाइब्रेशन फिर से भरनी है, ताकि वो गुस्से के संस्कार का जो इम्पैक्ट है वो अभी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और रिकॉर्डिंग यहाँ जो हो रही है वो रिकॉर्डिंग होने से हम बच जाएंगे, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग हो गई और वो इंसिडेंट बहुत बार याद आ जाएगा। हो गया गुस्से का संस्कार, एक बार इमर्ज हो गया, छोड़ देंगे। अगेन फिर हम क्या करेंगे, वो वाली सिचुएशन जब हमें गुस्सा आ गया था आज, हम उस सिचुएशन को शाम को या अगले दिन मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठ के फिर से रिप्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है ना। और फिर से अपने आप को देखेंगे कि यही सीन एज एन एक्टर, यही सीन अगर मुझे दोबारा करने का चांस मिले, स्टिमुलस नहीं चेंज होगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी, लोगों का व्यवहार नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे अगर ये सीन दोबारा करने का चांस मिले तो दिस इज हाउ आई वुड हैव डन इट एंड दिस इज हाउ आई विल डू माई सीन्स टुडे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ये भी प्रोग्रामिंग हो गई यहाँ पे, ये भी प्रोग्रामिंग हो गई। स्टिमुलस पर ब्लेम करने से हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे। आज हमें अपने चारों तरफ सब तरह के स्टिमुलस दिखेंगे, और ये कलयुग जितना बढ़ता जाएगा स्टिम्युलस का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ता जाएगा। अगर हम स्टिम्युलस पर ब्लेम डाल दें तो फिर हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं होगा, हमारी हीलिंग नहीं होगी। स्टिम्युलस चाहे कितना भी बड़ा हो, मुझे आत्मा को फिर याद करना है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी हीलिंग करनी है। So I will come back to myself and back to myself, back to myself. Next time, the same stimulus will not have that effect on me. आपको नहीं लगता कुछ बातें जो पहले ज़्यादा तकलीफ देती थी अब कम देती हैं? Of course. तो फिर healing हो रही है ना? पहले unnecessary बातें भी unnecessarily more than required तकलीफ देती थी। तो अभी healing हो रही है ना, इसका मतलब? हो रही है, लेकिन you're never satisfied. You want to reach a goal very high. कोई भी बीमारी है, आज कैंसर है, 4th stage का कैंसर है, टर्मिनल है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, आज हीलिंग शुरू कर रहे हैं। एक लंबा प्रोसेस है, रेडिएशन, वो सब जर्म्स को मारना है, सब उसको अपने शरीर से सब चीज़ को ख़त्म करना है, वो टॉक्सिन्स को निकालना है, पता नहीं कितने सालों का वो भरा हुआ है, वो हटाना है। एक दिन में नहीं, 4th से 3rd, 3rd से 2nd, 1st, सी 4th उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलेगा पूरा वो। सो अपने साथ हार्श नहीं होना कि हो ऐसे कैसे, आई स्टिल नॉट रीच देयर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सोल। एंड येट अपने साथ केयरलेस भी नहीं कि इट्स ओके हो गया। इतनी विजडम टू फाइंड कितना एज पे चलना है, केयरलेस भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है। विजडम ये नहीं चाहिए, विजडम तो ये है कि एक्चुअली मुझे हर बार अपने ओरिजिनल संस्कार यूज करने हैं। कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं है जिसमें मुझे अक्वायर्ड संस्कार यूज करना है। विजडम नहीं चाहिए उस बात की, विजडम तब चाहिए होती कि कब कौन सा यूज करना है। यूज तो एक ही करना है, ओरिजिनल ही यूज करना है। विजडम ये कि हाँ, मैं आत्मा जेन्युइनली उस रास्ते पे अच्छे से चल रही हूँ और मुझे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, राइट? लेकिन अगर बीच में कभी वो पुराना संस्कार इमर्ज होता है, आई विल पुट इट फुल स्टॉप देयर। क्योंकि अगर मैंने गिल्ट क्रिएट किया और अपने ऊपर डिसअपॉइंटेड हुए तो कौन सा संस्कार क्रिएट हो जाएगा? गिल्ट के, डिसअपॉइंटमेंट के, डिप्रेशन के, पेन के, आत्मा और डिप्लीट हो जाएगी। अगर आज मैंने एक गलती की, उस एक गलती से आत्मा की उतनी डिप्लीशन नहीं होगी जितना उस गलती के बारे में लंबा सोचने से डिप्लीशन हो जाएगी, राइट? दैट डे वी सॉ द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, राइट? एक चीज हम रियल में करते हैं, एक चीज हम सिर्फ सोचते हैं, इफेक्ट दोनों का सेम है। तो आज मेरे से गलती हो गई, ठीक है, मैंने झूठ बोल दिया, या मैंने गुस्सा कर दिया, या मैं रो दी, या मैंने किसी की ग्लानि कर दी, मैंने किसी के बारे में गलत कह दिया, ये मेरे से गलती हो गई। मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया, ये हो गया। ये एक बार किया तो उस एक बार का इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन 100 बार जो सोचा तो 100 बार का भी इम्पैक्ट पड़ा, और महीनों सालों जो थॉट तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना। अब हम ग्रूव्स क्रिएट कर रहे हैं अंदर, पैटर्न्स क्रिएट हो रही है। तो आज मैंने उनसे गलत व्यवहार किया, तो व्यवहार गलत करते हुए पैटर्न क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद मैंने 10 बार उसके बारे में सोचा, अरे मैंने उसके साथ ऐसे बात कर दी। आज इतना ज्ञान सुबह सुबह मैं सुनती हूँ, औरों के साथ भी शेयर करती हूँ, और आज मैंने उसके साथ ऐसे बात कर दी। मैंने ये जितनी बार मैंने ये थॉट क्रिएट करनी है, वो ग्रूव क्या होगा और स्ट्रांग हो जाएगा ना। कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, थॉट तो क्रिएट हो ही गई ना। तो फिर वो कर्म एक बार का नहीं, एक बार का वो कर्म नहीं हुआ, वो 10 बार वही कर्म क्रिएट हो गया। अब इसको चेंज करते हैं, एक बार उससे गलत व्यवहार कर दिया, हो गया, वो कर्म ऑलरेडी हो गया है जी। अब साइलेंस में बैठ जाते हैं, अब भी बैठ जाते हैं, और परमात्मा से प्यार की शक्ति लेकर अपने अंदर भरते हैं, उस आत्मा को लेकर आते हैं अपने सामने, इमर्ज करते हैं जिनके साथ मैंने गलत व्यवहार किया। राइट क्योंकि मैंने एक गलत कर्म की एनर्जी भेजी है ना, उधर भेजी है। तो अब उस आत्मा को सामने लेकर आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टिम्युलस। मेरा तो गलत व्यवहार था, तो उस आत्मा को सामने लाकर प्यार की वो शक्ति परमात्मा से भर के अपने अंदर उस आत्मा को भी भेजते हैं, ताकि हमारा कार्मिक अकाउंट क्या हो रहा है, एक बार हमसे जब वो गलत कर्म हो गया, हमने यहाँ भी ग्रूव क्रिएट किया है और उस आत्मा को भी वो वाइब्रेशन भेजी है, राइट तो वो आत्मा भी कुछ थॉट्स क्रिएट कर रही है। अब मुझे हीलिंग करनी है, हमारा प्रायोरिटी अब क्या है कि हीलिंग होनी चाहिए, राइट एक घाव लग गया है, एक घाव को एक पे रखते हैं, एक को मल्टीप्लाई नहीं करते है ना। एक ही चोट लगी है अभी, लेकिन एक चोट पे 10 और नहीं मारेंगे अभी। तो तुरंत बैठकर इसीलिए क्यों फॉरगिवनेस का इतना महत्व है, क्योंकि फॉरगिवनेस नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज को बंद कर देता है। That is why forgiveness is so important. That is why there is a concept that confess your sin. Confession का क्यों इतना महत्व है, क्योंकि confess करने से ये नहीं है कि वो मेरा कर्मा मेरे सामने नहीं आएगा, लेकिन confess करने से वो कर्मा वहीं रुक गया। नहीं तो मैंने वो कर्मा फिर रिपीट कर देना है, फिर वो कर्मा के बारे में सोचते रहना है, तो वो कर्मा रिपीट हो रहा है और सामने वाला भी वो एनर्जी मुझे भेज रहा है, तो वो एनर्जी मुझ पे रिकॉर्ड हो रही है। ये सब कुछ कन्फेशन और फॉरगिवनेस से रुक जाएगा। इसीलिए जैन लोग हर साल में एक बार वो भेजते मिच्छामि दुक्कम सॉरी टू ईच अदर। इस साल में अगर मैंने आपसे कुछ गलती की, कड़वा बोला या कुछ गलती हो गई हो, तो मुझे माफ कर देना। हाँ, लेकिन अब हमें इसको साल में एक बार नहीं करना। साल में एक बार में तो साल में बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा, पर साल में एक बार करेंगे सिर्फ। अगेन वो भी फिजिकली हो गया कि सिर्फ हमने मैसेज भेजा या बोला, गलती अभी हुई। अगर मैंने आज आपके साथ गलत व्यवहार किया, मैं आपको 1 साल बाद नहीं बोल सकती कि प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल दैट आई हैव डन। नो, दैट मैसेज वो जो बोलते हैं वो इट इज अ रिमाइंडर कि ये करते रहा करो। ये करने से आपका कार्मिक अकाउंट क्या होगा, सेटल हो रहा है। तो आज मैंने आपके साथ गलती की, गलती इक्वेशन, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। गलती करते हुए एक रिकॉर्डिंग हुई, वो संस्कार इमर्ज हुआ। अब अगर मैंने उसके बारे में सोचती रही, बोलती रही, गिल्ट क्रिएट करती रही या दूसरे को ब्लेम करती रही, कुछ भी कि उनकी वजह से बात ही उतनी बड़ी थी, इनमें से कोई भी चीज़ें करती रही, तो वही नेगेटिव रिकॉर्डिंग चल रही है। पॉजिटिव तो कुछ चेंज हुआ नहीं उसके अंदर। आप मेरे प्रति क्या भेजते रहेंगे, आपसे भी नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, वो नेगेटिव आ रहा है, मैं ऑलरेडी नेगेटिव हूँ, तो चोट पे चोट लंबी चली जाएगी। इसीलिए छोटी छोटी बातें भी जीवन की आत्मा की बैटरी को बहुत डिप्लीट कर सकती है। बात बड़ी होने की जरूरत ही नहीं होती है, छोटी बात भी डिप्लीट कर सकती है, क्योंकि वो लंबी खींच जाती है। अब चेंज करते हैं, मेरे से गलती हुई, एक कर्म रिकॉर्ड हुआ, इमीडिएटली कन्फेस योर सिन परमात्मा को। कन्फेस योर सिन मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी गलती बता दी, वो तो बता दी, गलती बताना मतलब अपने आप से ये भी प्रतिज्ञा करना कि नेक्स्ट टाइम इट्स गोइंग टू बी अनदर वे। ठीक है, अब कन्फेस करो मतलब परमात्मा क्षमा का सागर है, परमात्मा अनकंडीशनल प्यार करता है। तो मेरे से कितनी भी बड़ी गलती हो, वहाँ से क्या रेडिएट हो रहा है, वहाँ से सिर्फ प्यार हो रहा है। ले लो उसको, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़रूरत है उसकी। तो हमने बैठे वो प्यार की वो शक्ति की एनर्जी अपने अंदर भरी, तो हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग चल रही है वो क्या हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो एक कर्मा एक पे रुक गया, करेक्ट, एक पे रुक गया, नहीं तो वो 10, 100, 1000 बन सकते थे रिकॉर्डिंग, एक पे रुक गया। और जो चोट लगी थी उसकी जगह हमने अब दूसरी एनर्जी भरी, तो उसकी भी हीलिंग थोड़ी सी बेटर फील होने लगी। अब हमने क्या किया, आपको, मैंने आपसे गलत व्यवहार किया था, तो मैंने मेडिटेशन में आपको भी सामने इमर्ज किया और फिर परमात्मा से वो वाइब्रेशन लेके आपको भी भेजिए। ये करने से जो स्टिम्युलस आप बनकर आए थे मेरे सामने, क्योंकि स्टिम्युलस तो आप बनकर आए थे तब मैंने गलत व्यवहार कर दिया, तो मैंने आपको भी फॉरगिव किया और मैंने अपने आप को भी फॉरगिव किया वो गलत व्यवहार करने के लिए, और फिर मैंने आपको वो परमात्मा से लेकर प्यार की शक्ति आपको दी। ये करने से मैंने आपसे आने वाली नेगेटिव एनर्जी जो मेरी तरफ आ रही थी उसको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नहीं तो आपसे दर्द आ रहा था, मेरे से दर्द जा रहा था, आपसे आ रहा था, मेरे से जा रहा था, लंबा चल जाता है वो। फिर एक गलती एक नहीं रहती, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाती है, मेडिटेशन बीच में। लेकिन गिल्ट, पश्चाताप, इससे नहीं ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। डिसीजन ओके हो गया, नेक्स्ट अब क्या करना है, और उस समय हीलिंग। एक चीज़ हमेशा हमें अटेंशन रखना है, मुझ आत्मा का अब लक्ष्य क्या है कि आत्मा की बैटरी क्या होती रहे, स्ट्रॉन्ग। ये मेरा लक्ष्य है अब जीवन का। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुझ आत्मा की बैटरी क्या होती रहे, चार्ज। क्योंकि लोग चाहे कितने भी पावरफुल हो, स्टिमुलस चाहे कितना भी चैलेंजिंग हो, मेरे पास कौन सी पावर है, मुझे उस पावर हाउस से कनेक्ट हो जाना है। अगर बात होते ही कि ये ऐसे बात हुई थी, उसी दिन बात के इमीडिएटली बाद या शाम को बैठकर या रात को बैठकर सोने से पहले हमें ये मेडिटेशन कर लेना है कि परमात्मा का प्यार अपने अंदर भरें और उस आत्मा को भेजें, और फिर जब वो आत्मा हमें मिले हमारा व्यवहार उनसे बिल्कुल नॉर्मल हो, तो वो पास्ट की चोट छोटी ही रह जाएगी। इट विल बी ओवर। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिटे, which means to heal. Meditation is the connection of the soul with the Supreme Soul. This connection purifies the soul. Spiritual healing is the foundation of emotional, mental, social and physical healing. When we are in a pure environment or in the presence of a pure soul, it emerges our original sanskar of purity. Similarly, when we are in the remembrance of God, the ocean of purity, peace, love and bliss, it will emerge our original sanskars, and these sanskars will then come into behavior. Meditation emerges our original sanskars, but our acquired negative sanskars are still there and may come into action sometimes. We need to be careful, but at the same time not be harsh with ourselves when we behave in a negative manner. Awareness and attention to do it right the next time. If we have behaved wrongly with someone, we need to send them healing, connect to God, fill ourselves with His love and powers, and radiate them to the other person. This meditation will stop the blame, hurt and guilt inside us. It will heal their hurt, and that will stop any negative vibrations from them coming to us. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti.